तिहेरी तलाकचा लढा हा अंतिम टप्प्यात असून या सरकारनं याबाबत कायदा करून मुस्लिम महिलांना न्याय द्यावा आणि कोणत्याही पक्षानं याचं राजकारण करू नये अशी तलाक बहुपत्नीत्व याविरुद्ध लढणाऱ्या सायरा बानो यांनी मागणी केली आहे. कोर्ट का जो भी डिसीज़न आया है बहुत ही अच्छा डिसीज़न दिया है इसने. और जब हमने पेटिशन डाली थी, जब मेरा डाइवोर्स हुआ था तब पेटिशन डालने के दौरान, उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे जस्टिस मिलेगा, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, कोई मेरा साथ देगा, ऐसा भी नहीं लग रहा था मुझे. लेकिन फिर जब मैंने याचिका डाली तो बहुत सी महिला संगठन मेरे साथ में आई और सारे लोग ने कांटेक्ट किया, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ. और इस लड़ाई में उन्होंने मुझे बहुत सी सहयोग दिया. बहुत सी चुनौतियाँ मेरे सामने आई, बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपने केस वापस ले लीजिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. और मेरे जो फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे भाई जो हैं अरशद अली, उन्होंने उनका सपोर्ट बहुत है, और मेरे जो लॉयर हैं बालाजी श्रीनिवासन, उनका बहुत ही सपोर्ट है, और पूरी जो ऑल मीडियाज़ है उनका बहुत सपोर्ट है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स जजेस हैं जिन्होंने इतना अच्छा डिसीज़न दिया. जो मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति हमारे जो मुस्लिम समाज में थी, जो ये प्रथा, तीन तलाक की प्रथा चली आ रही थी, इसके लिए भी कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी कानून नहीं था. तो मुझे उम्मीद है कि जो डिसीज़न आया है तो जो हमारी भावी जो सरकार है इसके लिए मतलब कोई ना कोई कानून अवश्य बनना चाहिए. और मुझे गुजारिश है, मैं यही कह सकती हूँ, गुजारिश और प्रार्थना कर सकती हूँ कि वो एक कानून बनाए जिससे कि मुस्लिम जो महिलाओं को न्याय सही रूप से मिल सके और उसका शोषण और अत्याचार ना हो सके. कि जब सबसे पहला हमारी बहन के साथ में जो अन्याय हुआ था और उसको जो है बिना बताए हमें जो है हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर छोड़ दिया गया था, और उस हालत में छोड़ा गया था कि इनको ये नहीं पता था मैं आज कहाँ किस जगह पर खड़ी हूँ, और हमें फ़ोन करके कहा गया था अपनी बहन को लेके चले जाइएगा और मैं इनको यहाँ पर छोड़ चुका हूँ और ये यहाँ पर खड़ी है. तब हम इनको लेने गए तो वहाँ पर इनकी हालत ऐसी थी कि जैसे एक आईसीयू में इंसान रखा हुआ होता है ना, तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ, इंसान हूँ या क्या हूँ. उस हालत में हमने इनको पाया था वहाँ पर. मुझे तो खैर पूरा उम्मीद है, और अगर कोई भी पॉलिटिकल जो है अगर पॉलिटिक्स कर रहा है इस पे, इस मुद्दे को लेके, तो मैं यही प्रार्थना उनसे कर सकती हूँ कि इस मुद्दे को लेके पॉलिटिकल कोई भी मुद्दा ना बनाए. एक सामाजिक मुद्दा है, और ये जो महिलाओं की स्थिति है जो हमारे मुस्लिम समाज में बहुत ही बेकार है, बहुत ही शोषण हो रहा है, और मैंने महसूस किया है बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी अत्याचार होता है, और जो अनपढ़ है उनके साथ भी बेचारे साथ बहुत अत्याचार होता है, उनके बच्चों का बहुत ही भविष्य खराब हो जा रहा है. तो मैं ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि कोई भी अगर राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो इस पर राजनीति ना करें. पुण्यात ते एका कार्यक्रमासाठी आल्या होत्या. यावेळी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीनं पत्रकार परिषदेत घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तिहेरी तलाकच्या अनिष्ट पद्धतीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम स्त्रियांचा अमानुष छळ केला जात आहे असं मत त्यांनी मांडलं. ये जो प्रथा, तीन तलाक की प्रथा थी, बहुत ही पुरानी प्रथा थी, जो हमारे समाज में एक कुप्रथा थी जो काफ़ी सालों से चली आ रही. तो ये जो हमारा जो समाज है, कम्युनिटी है, वो ये जल्दी से नहीं स्वीकार करेगा. इसके लिए बहुत ही हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और हम लोगों को जो एजुकेटेड हैं, जो न्यू जनरेशन है, जिनके लिए ये आया है, जो जस्टिस जो आया है, उनको फ़ायदा होगा. तो मुझे ये कहना है उन लोगों से कि वो जागरूक करें. तो उनका कहना ये था कि ये धारा 25 के तहत फंडामेंटल राइट है, और धारा 25 और 26 की वजह से पर्सनल लॉ आया है, जो दिया गया है उसके माफत हमने निर्णय दिया है. अगर इससे अलावा कुछ देना है तो लॉ रिफॉर्म करना कर कहा गया है. लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब आगे चलकर ये तलाक की बिद्दत का मामला छुड़वाना आसान था, क्योंकि कुछ मुस्लिम देशों में से भी ये हटाया गया था और ये एंटी इस्लामिक है, ये भी इस्टेब्लिश हुआ था.
लेकिन जो इस्लामिक भी है और वो भी इनजस्टिस है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें संविधान के माफ जो अधिकार मुस्लिम औरतों को है वो देना पड़ेगा जी। खरं म्हणजे परवा शनिवारीची एक केस आलेली होती आमच्याकडे, आणि शिरूरची मुलगी आणि कोंडव्याला ती दिलेली आहे त्या होत्या। पहिलं लग्न झालं, पैसे उकळले, तलाक दिला। दुसरं लग्न झालं, पैसे काढले, तलाक दिला। तिसरं लग्न केलं, एमकॉम मुलगी आणि 12वी शिकलेला मुलगा आहे, तिला पण तो बाजूला ठेवून चौथं लग्न केलेलं आहे। आत्ता तो आत्ता राहतोय कोंडव्यामध्ये, ती महिला आमच्याकडे आली होती आणि या शनिवारची गोष्ट आहे, आणि आता तिला दमदाटी पण चाललेली आहे। तर आम्ही तिला तिचे डॉक्युमेंट्स वगैरे होते ते पाठवून आणण्याच्या संदर्भात सांगितलं। आता त्याने प्रॉमिस केले, मी तुझे अलग लेके रखूंगा। म्हणजे चार बायका या फक्त इमॅजिनरी नाही तर रियालिटी सुद्धा आम्हाला आहे असं दिसायला लागलेले अलीकडच्या काळामध्ये। मुझे तो ये कहना, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं उन लोगों को जैसा पढ़ा दिया गया है वो उसी पर मतलब रहना चाहते हैं, और जो जस्टिस आया है उसको आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं बात करती हूँ उन लोगों से, लेकिन जो है ओपन तरीके से नहीं मुझसे बोलते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे भी मुझसे अकड़ के बात करते हैं और मतलब अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसे पूरी तरह से। और ये मैं कहना चाहती हूँ, अगर मतलब इस पे जो मुस्लिम लॉ बनता है या कानून बनता है तो उसका बेनिफिट तो सब लोगों को होगा।